हेलो भाई, मैं प्रशांत मिश्रा आप सभी का न्यू डिस्कवर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक बेसिक रूल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसका नाम है ASTC रूल। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं। हमने आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, त्रिकोण मिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? त्रिकोण मिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, TRI। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में ASTC रूल के बारे में। ASTC रूल के बारे में, किसके बारे में? ASTC रूल के बारे में। आप लोगों को बातों से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ASTC रूल है क्या। आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ए लिख दिया, एस लिख दिया, टी लिख दिया, सी लिख दिया, ये है क्या ASTC रूल? तो इसको बेटा समझने के लिए सबसे पहले बनाएंगे चतुर्थांश। इसको जानने के लिए पहले आप लोगों को चतुर्थांशों का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दी। इसमें बेटा पता होना चाहिए कि यहां पे सबसे पहले होता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। सबसे पहला वाला खाना इसको हम कहते हैं बेटा प्रथम चतुर्थांश। यहां पे होता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। यहां पे होता है क्या? द्वितीय चतुर्थांश। इसके नीचे बेटा यहां पे क्या आता है? तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और बेटा इसके बाद यह होता है क्या? चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। बेटा अभी तक हमने इतनी बातें, हमने केवल अभी तक इतना पढ़ा कि हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इतना हमने केवल अभी तक सीखा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आपने तो प्रथम चतुर्थांश लिख दिया, द्वितीय चतुर्थांश लिख दिया, तृतीय चतुर्थांश लिख दिया, चतुर्थ चतुर्थांश लिख दिया, अभी ASTC का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ बातें, आगे सीखते हैं। यहाँ पे बेटा इसको हम, यहाँ पे होता है हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री और यहाँ पे कॉमा फिर आ जाता है क्या? 360 डिग्री। और यही एंटी क्लॉकवाइज क्रम चलता रहता है, आगे 90-90 बढ़ता जाता है, इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम चलता रहता है। इतनी बात सीख ली आप लोगों ने। इसके बाद सर कहेंगे कि सर इससे हमको पढ़ने से इससे मतलब क्या है हमारा, इसको पढ़ के हमको मिलेगा क्या? तो बेटा इससे आगे आपकी जितनी ट्रिग्नोमेट्री के आप सॉल्व करते होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और आगे जो सवाल होते हैं ऊपर अंश बटे हर को मिला के 90 डिग्री बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उन सवालों को लगाने में इससे हमको आसानी होगी। इसीलिए हम इसको बहुत जरूरी है पढ़ना। तो इसमें बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया ASTC। इसको लिखने का क्रम यही होता है, प्रथम चतुर्थांश पे लिख दो A, इसके बाद लिख दो S, इसके बाद लिख दो T, इसके बाद लिख दो C। अब इसके पहले थोड़ी बातें और जान लो, अभी इसको हम बताते हैं थोड़ी देर में ASTC है क्या। इसके पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। त्रिकोणमिति फलन होते हैं कितने? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होते हैं त्रिकोणमित फलन। अब A का मतलब बेटा क्या है पता? आप लोगों को पता है A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। S का मतलब पता क्या होता है बेटा? S का मतलब होता है, अभी हम लोग दूसरे वर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। S का मतलब होता है साइन और क्या? कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होते हैं? यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यदि साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गए तो और जब भी और जो हमारे सभी जितने हमारे 6 त्रिकोणमित फलन हैं, हमारे कितने त्रिकोणमित फलन हैं? 6 त्रिकोणमित फलन है। यदि साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब कि और सभी क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। यदि साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। इतनी बात आप लोगों को पता है। हमने लिख दिया साइन और कॉसेक धनात्मक। एस का मतलब है साइन, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक धनात्मक। टी से होता है टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव। अब यहाँ पे सी की बात, सी से होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक क्या होते हैं? इसमें पॉजिटिव होंगे, मतलब कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होंगे। मतलब जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है इसमें जितने भी त्रिकोणमित फलन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जितने भी त्रिकोणमित फलन है वो सभी इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव। इसमें केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होगा, इसमें टेन और कॉट धनात्मक होगा, इसमें कॉस और सेक धनात्मक होगा। इतनी बात आप लोगों ने सीख ली। इसके बाद बेटा हम लोग सीखते हैं, एक नोट पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नोट पॉइंट लिखते हैं, क्या पहला नोट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरा नोट पॉइंट। हम यहाँ पे दो नोट पॉइंट लिखेंगे। पहला नोट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि 90 के सम गुणक
अर्थात 90 के समगुणक का मतलब इंग्लिश में हम लोग देखें तो इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब 90 के जितने भी समगुणक होंगे वे नहीं बदलेंगे। मतलब बेटा 90 के समगुणक का मतलब यदि 90, देखो हम 90 के समगुणक कभी भी नहीं बदलेंगे, मतलब अगर 90 का समगुणक है तो जो हमारे त्रिकोणमित अनुपात है साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक ये नहीं बदलेंगे। अभी इसको आप लोगों को हम ट्रिक से बताते हैं। हमने बताया कि 90 के जितने भी समगुणक होंगे वे नहीं बदलेंगे। यदि 90, अभी इसको केवल नोट पॉइंट को देखो, नोट पॉइंट के बाद हम समझाएंगे बात को। यहां पे हमने लिखा 90 के विषम गुणक, 90 के विषम गुणक, अब कहोगे इंग्लिश में अर्थात ऑड मल्टीपल, 90 के विषम गुणक अर्थात ऑड मल्टीपल वे बदल जाएंगे, वे बदल जाएंगे। 90 के विषम गुणक अर्थात ऑड मल्टीपल क्या हो जाएंगे बेटा, बदल जाएंगे। अभी हम थोड़ी देर आप लोगों को यहां पे कुछ बातें सिखाते हैं, इसको थोड़ी देर के साफ कर देते हैं। यहां पे सीखो, हमने बताया कि 90 के सम गुणक कभी नहीं बदलेंगे और 90 के विषम गुणक बदल जाएंगे। अब 90 के विषम गुणक बदलेंगे तो बदलेंगे किसमें, यहां पे इसको आप लोगों को दिखने लगेगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 90 के विषम गुणक, 90 के विषम गुणक यहां पे ऊपर लिख देते हैं। मतलब क्या बताया हमने, हमने बताया कि 90 के विषम गुणक बदल जाएंगे। अब पहली बात तो ये जानो कि कौन बदलता किसमें है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि त्रिकोणमित फलन जो होते हैं अनुपात वो बदलते किसमें हैं। सबसे पहली बात, साइन बदलता है किसमें, कॉस में। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। लेकिन जो हम बदलते हैं, जब हम अभी सवाल लगाएंगे तो उसमें बदलेंगे साइन को कॉस में, और साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस को किसमें बदलेंगे, साइन में। इसके बाद हम टैन को बदलेंगे किसमें, कॉट में। जब हम टैन को बदलेंगे कॉट में तो कॉट को किसे बदलेंगे, टैन में। इसके बाद आती है सेक की बात, सेक को हम बदलेंगे कोसेक में, तो कोसेक को किसे बदलेंगे बेटा, सेक में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। हमने साइन को बताया कि कॉस में बदलेंगे, कॉस को साइन में बदलेंगे, टैन को कॉट में बदलेंगे, कॉट को टैन में बदलेंगे, सेक को कोसेक में बदलेंगे और कोसेक को सेक में बदलेंगे। इतनी बात क्लियर। हमने बताया कि 90 के विषम गुणक बदल जाएंगे लेकिन 90 के सम गुणक नहीं बदलेंगे। इसका मतलब हमने 90 का गुणा किया किसमें, एक में। 90 के 90 कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री वाले जितने भी रहेंगे बदल जाएंगे। उसके बाद बात आई किसकी, 180 की बात आई, 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम 90 के गुणक के रूप में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 डिग्री गुणे 2। मतलब ये कैसा गुणक हो गया, इसका हो गया सम गुणक हो गया। एक तो विषम संख्या होती है, दो होती है सम गुणक, मतलब ये इसका सम गुणक है, 90 का सम गुणक है। तो मतलब ये कभी भी 180 डिग्री नहीं बदलेगा, 90 डिग्री हमेशा बदल जाएगा लेकिन 180 डिग्री कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद बात आई 270 डिग्री की। अब 270 डिग्री को आप 90 के गुणक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 270 डिग्री को हम 90 के गुणक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 डिग्री गुणे 3। 90 डिग्री गुणे 3 लिखा तो यहां पे ये किसका, 90 का कैसा गुणक हुआ, ये 90 का ऑड मल्टीपल हुआ, मतलब 90 का विषम गुणक हुआ। तो ये भी क्या होगा, बदल जाएगा। हमने बताया कि 90 के विषम गुणक बदल जाएंगे और 90 के सम गुणक कभी नहीं बदलेंगे। तो मतलब 90 का सम गुणक हुआ 180, इसका मतलब 180 डिग्री नहीं बदलेगा, 90 डिग्री बदल जाएगा, 270 डिग्री बदल जाएगा। अब बात इसकी आई 180 की, 270 के बाद क्या होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री में क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री गुणे 4, इसको ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये किसका, इसका कैसा मल्टीपल हो गया, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल सम गुणक हो गया। अब सम गुणक ये हो गया तो ये क्या होगा, नहीं बदलेगा। हमने इतनी बात लिख दी। तो सबसे आसान तरीका है आप लोगों को जानने का कि इसको कभी भी याद मत रखो, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, केवल आप लोगों को ये सिखाने के लिए बताया है कि ये कैसे हुआ। सर इसका हम एक सिंपल फॉर्म आप लोगों को फॉर्मूला बता देते हैं करने का, मतलब इसको ट्रिक समझ लो। ट्रिक हमने लिख दिया 90 डिग्री, 90 के बाद जोड़ने पर 180 डिग्री आती है, उसके बाद आती है 270 डिग्री, इसके बाद आती है क्या, 360 डिग्री। इतनी बात आप लोग, सब लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले आता है 90 डिग्री, 90 के बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो क्या करो, केवल बात याद रखो, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, मतलब चार बार पढ़ लो, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, मतलब इतना याद करो बस। स्टार्टिंग करो बदलेगा से, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, और याद कर लो पहले होता है 90, फिर होता है 180, 270, 360, मतलब 90 बदल जाएगा, उसके तुरंत बाद 180 डिग्री आता है वो नहीं बदलेगा, 270 बदल जाएगा और 360 क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने बताया कि और यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में होता है ऑल पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में साइन कॉसेक धनात्मक होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में टैन कॉट धनात्मक होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होते हैं धनात्मक, कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। आगे क्लास में हम आप लोगों को थोड़ी देर बाद, अभी कुछ सेकंडों के बाद हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा करके कैसे बनता है, क्या कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनता है, टैन 180 प्लस थीटा क्या बनता है, इस तरह की बातें अभी लोग हम सीखेंगे। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ।
अब बेटा हम लोग सीखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे हमने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इनको हम लोग इनकी वैल्यू कैसे पता करेंगे कि इसके बराबर होता क्या है। इसके लिए बेटा सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसका मतलब होता है, यदि माइनस थीटा है तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब है ये प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। इसके बाद यदि प्लस हो जाए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहा है। यदि हम माइनस करें तो इसका मतलब 90 की माइनस प्रथम चतुर्थांश, इधर गए हम तो ये प्रथम चतुर्थांश, अब 90 डिग्री प्लस थीटा इसका मतलब हम इधर आए, ये द्वितीय चतुर्थांश। यदि बोले कि 180 डिग्री माइनस थीटा इसका मतलब है कि हम द्वितीय चतुर्थांश में हैं, और बोले कि 180 डिग्री प्लस थीटा इसका मतलब हम तृतीय चतुर्थांश में हैं। यदि बोले कि 270 डिग्री माइनस थीटा इसका मतलब हम तृतीय चतुर्थांश में है बेटा, यदि बोले कि 270 डिग्री प्लस थीटा इसका मतलब हम चतुर्थ चतुर्थांश में चले गए। अब बात आई यदि बोले कि 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा तो इसका मतलब हम कहां है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। यदि बोले कि 360 डिग्री प्लस थीटा इसका मतलब हम कहां चले गए, पहले चतुर्थांश में चले गए, यही तो मतलब हुआ। यदि बोले साइन, यदि बोले 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस इधर आए, 90 माइनस इधर आए, 90 प्लस इधर आ गए, ठीक, 180 डिग्री माइनस मतलब ऊपर ही है अभी, 180 डिग्री माइनस इसका मतलब द्वितीय में है। यदि बोले 180 प्लस इसका मतलब हम कहां गए, नीचे तृतीय में। यदि बोले 270 डिग्री माइनस इसका मतलब कहां है, तृतीय में। यदि बोले 270 डिग्री प्लस इसका मतलब कहां गए, चतुर्थ में। बात समझे, अब हमने यहां पे लिखा है कि साइन 90, यदि हमने लिखा यहां पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या होगा। हमने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले बात आती है क्या करने की, हमने बताया था 90 माइनस थीटा, सबसे पहले बताया था 90 बदल जाएगा, 90 क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हमने बताया था ना आप लोगों को कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, सम गुणक नहीं बदलते हैं, विषम गुणक बदल जाते हैं। और हमने ट्रिक बताई थी कि 90 बदलेगा, 180 नहीं बदलेगा, 270 बदलेगा, 360 नहीं बदलेगा। तो यही काम होगा यहाँ पे, क्या होगा कि साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री है यहाँ पे, 90 में हमने क्या बताया, बदलेगा, मतलब प्लस चिन्ह है, मतलब टिक सही का टिक है, मतलब बदलेगा। तो साइन, और हमने बताया था कि साइन किसे बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है किसमें, कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, और सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है किसमें, सेक में। ये हमने बताई थी आप लोगों को बात। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम बदलेंगे क्या, साइन 90 है तो 90 बदलेगा, साइन है, साइन किसमें बदलता है, कॉस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब बात आई कि चिन्ह क्या होगा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री के इधर, 90 माइनस थीटा मतलब इधर, 90 माइनस थीटा कहाँ होता है, प्रथम चतुर्थांश। और हमने बताया कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी धनात्मक होंगे, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे प्लस होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो 90 का मतलब बदलेगा, साइन है किसमें बदलेगा, कॉस थीटा में, साइन है किस बदल जाएगा बेटा, कॉस थीटा में। अब बात आई साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री यहाँ पे है, प्लस थीटा कहाँ गए, द्वितीय चतुर्थांश में, प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होता है साइन कॉसेक धनात्मक, यहाँ पे क्या है साइन, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ भाई, यहाँ पे है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है बेटा, हम लोग प्रथम चतुर्थांश में, और कॉस 90 क्या होता है, 90 बदलता है, तो कॉस किसमें बदल जाएगा बेटा, कॉस बदलेगा किसमें, साइन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, प्लस साइन थीटा। आगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 बदलता है किसमें, 90 बदलता है, कॉस है किसमें बदलेगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। और कह रहा है कि 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आ गए, द्वितीय चतुर्थांश में क्या धनात्मक होते हैं, साइन कॉस है, लेकिन यहाँ पे कॉस है प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस धनात्मक होते हैं, लेकिन यहाँ पे है कॉस और ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि कॉस है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन कॉस धनात्मक होते हैं, कॉस धनात्मक होता है यहाँ पे, इसलिए क्या लगा दिया गया बेटा माइनस। बात समझ में आ गई, इतनी ये बातें समझ में आ गई। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी तरह आगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अब कुछ क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ और अनुपात लिखा, और हमने कुछ लिखा यहाँ पे, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया क्या, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिख दिया टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, हमने लिखा tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोई बता सकता है tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, हमने बताया था 180 माइनस कहां है, द्वितीय चतुर्थांश में,
180 माइनस थीटा मतलब कहां है, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोसाइन धनात्मक होते हैं, मतलब यहां पे टैन है तो यहां पे चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। उसके बाद 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 क्या होता है, नहीं बदलता है, तो टैन ही रहेगा, टैन ही रहेगा, टैन थीटा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 180 में नहीं बदलता है तो टैन ही रहेगा। हमने लिखा यहां पे क्या, हमने लिखा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 180 डिग्री प्लस, नीचे आ गए 180 डिग्री प्लस का मतलब तृतीय चतुर्थांश में आ गए, अगर माइनस होता तो द्वितीय चतुर्थांश में होते, 180 डिग्री प्लस मतलब नीचे आ गए, नीचे ऊपर, देखो 180 का माइनस मतलब ऊपर, 180 के पीछे, 180 के पीछे होता द्वितीय चतुर्थांश, 180 प्लस मतलब 180 के आगे, इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में क्या धनात्मक होता है, टैन और कॉट धनात्मक होता है, तो यहां पे टैन और कॉट धनात्मक होता है, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 क्या होता है, नहीं बदलता है, तो कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा ही रहेगा, और यहां पे टैन और कॉट क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, बात समझ में आ गई। आगे लेते हैं हम लोग, हमने लिखा यहां पे कुछ और बातें, हमने लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया सेक, हमने सेक लिख दिया, सेक 370, सेक 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस थीटा, हमने लिखा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, अब बेटा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा है किस चतुर्थांश में, मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा है किस चतुर्थांश में, तो हमने देखा 270 इधर है, माइनस, माइनस का मतलब तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे है सेक मतलब माइनस होगा, मतलब क्या होगा भाई, माइनस होगा। अब सेक 270 विषम गुणक होता है, मतलब 270 क्या होता है, बदलता है, 270 बदलता है, तो सेक को किस बदल देगा, सेक को बदल देगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, बस समझ में आ गई। इसी तरह कुछ बातें और सीखते हैं हम लोग, आओ प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, अब हम लोग फिर से अब आगे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में हमने यहाँ पे कुछ बातें और लिख दी, हमने लिख दिया कॉट 180 हमने लिख दिया कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, हमने लिख दिया कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री प्लस, 180 डिग्री प्लस मतलब कहाँ पे आ गए, तृतीय चतुर्थांश में, 180 डिग्री प्लस का मतलब है तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, मतलब यहाँ पे कॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 180 क्या होता है नहीं बदलता है, तो कॉट थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा लिख देंगे। इसी तरह और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने लिख दिया साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, हमने लिख दिया साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 270, अब यहाँ पे देखा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा का मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, यहाँ पे कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, और साइन क्या होगा ऋणात्मक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस, 270 क्या होता है बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इसी तरह और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, हमने यहाँ पे कुछ बातें और लिखी, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिख दिया कॉस 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, ये बताओ जल्दी, प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ पे, हमने लिख दिया कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा का मतलब, हम देखो यदि है यहाँ पे 270 माइनस, इसका मतलब माइनस का मतलब पीछे, माइनस मतलब घट रहा है, तो पीछे आए हम तृतीय चतुर्थांश में, लेकिन है 270 प्लस, 270 यहाँ पे होता है 270 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब चले गए उठ के चतुर्थ चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, यहां पे है कॉस, इसका मतलब प्लस का चिन्ह लगेगा, पहली बात क्लियर। इसके बाद कह रहा है 270 डिग्री, यहां पे हमने बताया 270 बदलता है, 270 बदलता है तो कॉस बदलता है किसमें, कॉस बदलता है साइन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा। इसी तरह हमको प्रैक्टिस करनी है और आगे देखते हैं, एक प्रैक्टिस और करते हैं इसको, इसके बाद आप लोग घर में बना बना के प्रैक्टिस करना, मतलब बना बना के प्रैक्टिस करना। हमने यहां पे लिख दिया सेक, सेक हमने लिख दिया सेक, हमने लिख दिया सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, अब देखो बेटा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस, सबसे पहले चेक चतुर्थांश चेक करो, 180 प्लस का मतलब आया तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, यहाँ पे है सेक, 180 में बदलता भी नहीं है, यहाँ पे टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, यहाँ पे है सेक, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टैन और कॉट धनात्मक होते हैं और सभी ऋणात्मक होते हैं, 180 प्लस मतलब तृतीय चतुर्थांश में आए, और यहाँ पे 180 क्या होता है नहीं बदलता है, तो मतलब माइनस सेक थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह के आप लोग बना के और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस बना के, और इससे बेस्ड होते तो दो क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्लास को एंड। हमने बेटा दो क्वेश्चन लिए, एक है साइन 120 डिग्री, एक है टैन 330 डिग्री। यदि कुछ मान याद करने के लिए होता है, जैसे हम बोल दे कि साइन 0 का मान 0 कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 40 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, ये सब आप लोग मान तो याद कर सकते हैं 90 तक, लेकिन आगे यहाँ पे बड़ी समस्या बात हो गई कि साइन 120 डिग्री, इसीलिए हमने यहाँ पे ASTC रूल पढ़ा, इसी के लिए बस इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा ASTC रूल। अब आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप पहले की थ्योरी क्लास पूरी तरह से पढ़ के आएंगे तो आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या इसको हम 90 डिग्री प्लस थीटा बना के सॉल्व कर सकते हैं, और 180 डिग्री माइनस थीटा बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से बताएंगे बेटा, एक ही आंसर आएगा। देखो हम इसको बना सकते हैं साइन
120 को तोड़ो, अभी तक हमने केवल चार बातों के बारे में पढ़ा था, चार चीजों के बारे में, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आपको इन्हीं से बनाना है हमको। 180 प्लस बना सकते हो या 180 प्लस बना लो, 90 प्लस बना लो, 90 माइनस बना लो, 270 प्लस बना लो, 360 प्लस बना लो, इसी तरह से बना सकते हैं। अब सोचो कि इसको हम 90 प्लस थीटा कैसे बनाएं, इसको हम 90 प्लस थीटा कैसे बनाएं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 और 30 जोड़ने पे कितना आता है, 90 30 जोड़ने पे 120 आता है, इसको हम साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बना सकते हैं। तो हमने बताया है कि साइन 90 प्लस थीटा, अभी 30 को थीटा मानो, 30 को क्या मानो बेटा, थीटा। देखो कि साइन 90 प्लस थीटा हमने क्या बताया था पीछे, हमने बताया था साइन 90 प्लस थीटा, हमने बताया था कि 90 क्या होता है, बदलता है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, चेक करना है चतुर्थांश कौन सा है। 90 प्लस थीटा इसका मतलब है कि हम आ गए प्रथम चतुर्थांश में। यदि 90 माइनस होता मतलब 90 के पीछे होते तो हम होते प्रथम चतुर्थांश में, यहां पे है 90 प्लस, इसका मतलब हम आगे कहां, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन धनात्मक होता है और कॉसेक धनात्मक होता है, यहां पे है साइन, तो इसका मतलब सबसे पहले तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, क्लियर। इसके बाद बात आई कि 90 डिग्री, हमने बताया है कि 90 बदलता है, 180 नहीं बदलता है, 270 बदलता है और 360 ही नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। देखो हमने बताया साइन, साइन किसमें बताया था बदलने के लिए, साइन बदलता है कॉस में, तो यहां पे हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे एक दो 30 डिग्री। आप सभी बच्चों को पता होगा कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अब याद करने के लिए तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक छोटी सी बेसिक क्लास बना देंगे जिससे कि हम आसानी से पूरे ट्रिग्नोमेट्री जितने भी वैल्यू हैं 90 तक उनको याद करने की एक ट्रिक बता देंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। ये बात सभी बच्चों को पता होगी, यदि ये बात पता नहीं होगी तो आप यहां तक तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यदि आपको मान ही नहीं याद है तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, इतना ही लिख के आ जाएंगे, आपको एग्जामिनर आंसर तो मतलब नंबर भी नहीं देगा। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, अंडर रूट 3/2। अभी इसको थोड़ी देर के लिए सॉल्व कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका सीखते हैं, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका सीखते हैं हम। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, हम बना सकते हैं इसको साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ने क्यों बनाया, क्योंकि 180 में 60 घटाने पे 120 आता है, तो हमने 120 बना लिया, इसको हम लिख सकते हैं ना। अब देखो हमने बताया है कि 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश होगा, 180 है यहाँ पे, 180 माइनस का मतलब ऊपर है, ऊपर का मतलब द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसेक धनात्मक, यहाँ पे क्या है साइन, इसका मतलब चिन्ह किसका लग जाएगा, प्लस का। हमने बताया कि 180 क्या होता है, 90 बदलता है, 180 नहीं बदलता है, 180 क्या होता है, नहीं बदलता है। अब साइन 180 बदलता नहीं है तो साइन ही रहेगा साइन, आगे थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, इसका मान भी साइन, देखो साइन 160 साइन 60 का मान कितना होगा, अंडर रूट 3/2। मान याद कर लो बेटा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, अन्यथा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। पहला क्वेश्चन सीख लिया, इस तरीके से भी उतना आंसर आया और इस तरीके से भी उतना आंसर आया, बात समझ में आ गई। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बच्चा दिखाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि tan 330 डिग्री। अब tan 330 डिग्री को हम बना क्या सकते हैं, इसको या बना लो 270 प्लस या बना लो 360 माइनस, बना सकते हैं ना, या तो बना लो 270 प्लस या बना लो 360 माइनस, दोनों तरीके से बनाएंगे बेटा। आओ बनाएंगे tan 270 डिग्री प्लस 270 में कितना जोड़ने पर आ जाएगा 360, बच्चा बता सकता है कि 270 में हम कितना जोड़ दे कि 360 बन जाए, बताओ बच्चा 270 में हम जब कितना जोड़ेंगे कि 360 बन जाएगा, 90 हैं 60 60 जोड़ने पर, ये 90 जोड़ने पर कितना बनेगा 70 80 90 100 10 20 30 40 30 60 जोड़ने पर बनेगा ना, 60 जोड़ने पर बनेगा। इस तरह कभी कभी कैलकुलेशन उंगलियों से कर लिया करो, 10 20 30 40 नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी आगे, ठीक। 270 प्लस 60 डिग्री, ठीक बेटा 270 प्लस 60 डिग्री बना के बनेगा 360 डिग्री। तो हमने देखा यहां पे 270 प्लस 60 मतलब कहाँ चले गए बच्चा, उठ के हम चले गए चतुर्थ चतुर्थांश में, हम कहाँ चले गए, हम चले गए चतुर्थ चतुर्थांश में। टैन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री मतलब होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब टैन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो टैन क्या है 270 डिग्री प्लस, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, यहाँ पे टैन होगा माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। इसके बाद 270 क्या होता है, बदल जाता है, टैन किस में बदल जाएगा, कॉट में, टैन बदल जाएगा कॉट में, और थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, क्लियर। तो अब बताओ बच्चा cot 60 का मान कितना, बात cot 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे तो माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह तो छोड़ना ही नहीं है। cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, बजाई। दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका, देखो हमने लिखा tan 330 डिग्री, बच्चा चाहे सवाल जितना लगाओ आंसर आवे कितना है, ठीक।
चाहे सवाल जिस तरह लगाओ लेकिन आंसर आएगा इतना ही। देखो हमने बनाया टेन, 360 से बनाओ इसको, हम बना सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 360 में माइनस 30 करेंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा, 330 डिग्री आ जाएगा। तो हमने देखा कि टेन 360 डिग्री माइनस 360 यहाँ है बच्चा, 360 है यहाँ पे, माइनस का मतलब नीचे चतुर्थ चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में टेन होता है माइनस, हमने लगा दिया माइनस का चिन्ह। इसके बाद क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 में क्या होता है नहीं बदलता है, तो tan तो tan ही रह जाएगा और थीटा की जगह पे 30 है तो यहाँ पे tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, tan 30 का मान होता है 1/√3, हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन का हो गया आंसर। चाहे इस तरह लगाओ चाहे इस तरह लगाओ आंसर वही आएगा। देखो बेटा यदि हम बता रहे हैं, यदि आपने इस पूरी थ्योरेटिकल क्लास को पढ़ दिया तो आप लोगों को ASTC रूल समझने में कोई समस्या नहीं होगी, और जो छोटी मोटी गलतियां हो जाए उनको माफ कर देना। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, नहीं तो धन्यवाद, और कुछ कर नहीं सकते।